आपका स्वागत है, मैं आनंद त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज हम जटायु क्रूज पे उपस्थित हैं जो योगी जी के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है, और ये अयोध्या है। अयोध्या में सरयू जी के नए घाट पे जहां पे आरती होती है उसी के जस्ट बगल में ही ये जटायु क्रूज खड़ा है। और जटायु क्रूज लगभग 9 × 18 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर गुप्तार घाट तक एक बार 9 किलोमीटर जाना और 9 किलोमीटर आना, लगभग 18 किलोमीटर 300 रुपये में मात्र आपको पूरी यात्रा कराई जाएगी, जिसमें आपको नाश्ता भी मिलेगा। और अयोध्या के किनारे किनारे जो भव्य मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, उनके भी उनको भी आप यहाँ इस जटायु क्रूज के द्वारा देखेंगे और माता सरजू जी की लहरों का आनंद लेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित तमाम लोग हैं जिसे जहाँ आज जटायु क्रूज का उद्घाटन है, जिसे यूपी के संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह आज उद्घाटन करने आए हुए हैं। उद्घाटन समारोह भी हम इस समय उपस्थित हैं और हमारे साथ यहाँ और भी तमाम लोग हैं जो इनसे पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। अयोध्यावासी हैं जो बताएंगे कि जटायु क्रूज की शुरुआत से अयोध्या का जो एक नया विकास हुआ है उससे उनको कैसा लग रहा है, जो योजनाओं पर योजनाएँ अयोध्या में आ रही हैं उनको उससे उनको कैसा लग रहा है, इन सब विषयों पर हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और हमारे साथ हैं स्थानीय, इनसे आइए बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर ये जो क्रूज चलने का जो कार्यक्रम रखा गया है योगी जी के द्वारा, वास्तव में एक समझ लीजिए बेमिसाल कार्य चल रहा है। और ये अयोध्या चारों तरफ से आपको दिखेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर इसी तरह से लोग आए दिन लाखों की संख्या में आकर के और पूर्ण लाभ अर्जित करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। हमारे साथ अयोध्या प्रेस क्लब के अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी जी हैं जो काफ़ी लंबा संघर्ष, मेरी जितनी उम्र होगी उतने वर्षों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं अयोध्या में, तो आपको कैसा लग रहा है अयोध्या का विकास, देखिए कुछ बताइए। देखिए बहुत ही अद्भुत चमत्कारित विकास है, चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से सरकार में आए हैं अयोध्या का विकास ही हो रहा है, और दूसरी कार्यकाल में भी कायाकल्प हो रहा है जो कि राम मंदिर बन रहा है, और अयोध्या जो जटायु क्रूज है ये जो भी राम भक्त जब भी राम मंदिर दर्शन करने आएंगे तो जटायु क्रूज से जो है यहाँ पे इसका जो है आनंद उठाएंगे, क्योंकि ये सरयू नदी से गुप्तार घाट तक जाएगा और लगभग 18 किलोमीटर अप डाउन की यात्रा इसमें होगी। 300 रुपये किराया बताया जा रहा है और इसी किराए में जो है उसको नाश्ता भी मिलेगा, तो कुल मिला के जो है आने वाले पर्यटक और तीर्थयात्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है। इसका सभी हम अयोध्यावासी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि अब विश्व के कोने में सब अयोध्या जो है जानी जा रही है और राम मंदिर की वजह से जो है काफ़ी पर्यटक अयोध्या आ रहे हैं। इस वजह से जो जटायु क्रूज का शुभारंभ आज प्रदेश के संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया है बहुत ही स्वागत योग्य है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो भी पर्यटक और यहाँ पे राम भक्त आएंगे इस जटायु क्रूज से सफ़र करके आनंद की अनुभूति लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये 300 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 300 रुपये में आराम से राम भक्त इसमें यात्रा कर लेंगे। सर, लगभग पिछले 25-30 सालों से आप लगातार पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, और अयोध्या का विकास किन चरणों में जो बढ़ रहा है इधर जब से सरकार आई योगी मोदी की सरकार, उन चरणों और इन चरणों में क्या फ़र्क है, अयोध्यावासियों को क्या मिला, इसके बारे में कुछ कहिए। देखिए मैं तो पत्रकारिता करते हुए 42 वर्ष पूरा कर चुका हूँ, लेकिन ये है कि जो मैं कार्यकाल अब देख रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के कार्यकाल का, वो बड़ी ऐतिहासिक है। राम भक्त प्रधानमंत्री हैं, राम भक्त मुख्यमंत्री हैं, उनकी वजह से अयोध्या का चौमुखी विकास हो रहा है और तमाम योजनाएं यहाँ पे चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बन गया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से अब अयोध्या रेलवे स्टेशन भी बन गया है। जो भी कोई अब यहाँ आएगा इसकी आनंद की अनुभूति उठाएगा, और ये जो जटायु क्रूज है उसमें भी जो है ये एक बड़ी सौगात है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या को पूरा राम राज्य की ओर ले जा रहे हैं, चूँकि जिस तरह से राम राज्य में लोग सुखी थे और उनको आनंद की अनुभूति होती थी, उस तरह प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में आनंद की अनुभूति राम भक्तों को हो रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब 24 जनवरी को 24
जो आने वाला वर्ष है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शुभारंभ यानी उद्घाटन भी करने आ रहे हैं। इस तरह से पूरी राममय इस समय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्यकाल की समय है बहुत ऐतिहासिक है, दुर्लभ है। जब भी इतिहास में नाम लिया जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का लोग कभी भी नाम लेना चूकेंगे नहीं, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में ये सारे सपने पूरे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुओं का पक्ष कहीं ना कहीं जो दबा हुआ था, अनपेक्षित था, मतलब अपेक्षा नहीं कि कोई कर रहे थे कि मतलब इसका विकास होगा, ये बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुआ है। और स्थानीय जो अयोध्या कहीं ना कहीं किसी मायने में नहीं विकास पे थी, अब बहुत हद तक विकास हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर ने बताया कि किस तरीके के पिछले 5-7 सालों में हम लोगों का विकास हुआ, अयोध्या का विकास हुआ, यहाँ स्थानीय पर्यटकों का बढ़ा है जिस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आनंद त्रिपाठी अयोध्या से।